नाजरीन आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद है कुलसुम मुस्तफ़ा, फिर एक बार आपका बहुत शुक्रिया। सेकेंड एपिसोड में क्या हो गया होगा कि मीडिया को इतनी ज़्यादा क्रिटिकल उन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया? देखिए अक्सर ये होता था मीडिया ही पूछता था कि लोगों की ओपिनियन चीज़ों पे, और पहली बार है कि बहुत हर मीडिया वाले से ये पूछा जा रहा है कि आपकी क्या राय है इस चीज़ पे। और मेरे ख्याल में ये बहुत बहुत बड़ा और बहुत ही ग्रेव एक सवाल है। और जहाँ तक कहते हैं ना अखबार वालों के लिए, तो कहा है कि बहुत बहुत महीन है अखबार का मुलाजिम भी, खुद एक खबर है मगर दूसरों की लिखता है। अच्छा, खुद एक खबर है मगर दूसरों की लिखता है। लेकिन टू कम ऑन अ सीरियस नोट, मुझे लगता है कि जस्टिस साहब ने जर्नलिस्ट के साथ जस्टिस नहीं की। अच्छा, और एक ये बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट लेना मुझे लगता है। और जहाँ तक देखिए, आप पूरी पूरी फटर्निटी को ब्रांड नहीं कर सकते। ये सही है कि हमारे भी प्रोफेशन में ऐसे लोग हैं और ऐसा लिखते हैं जिन्हें नहीं लिखना चाहिए, मगर हम अगर हर चीज़ को एक छोटे से दायरे में कैद कर देंगे तो हम जर्नलिस्ट के बारे में क्या कैसे नहीं, ये ओपिनियन? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन एक इतना रिस्पॉन्सिबल जस्टिस और वो भी काजुली इज नोन फॉर हिज जजमेंट, लेकिन वजह क्या होगी? वो एक जज के दिमाग में क्या उनको लगा होगा कि यहाँ पे कहीं गलतियां हो रही हैं? ऐसी बातें बिल्कुल गलतियां हो रही हैं। देखिए, एक जर्नलिस्ट जो है वो मेरे ख्याल में एक जर्नलिस्ट भी है, और अखबार का आदमी एक बहुत बड़ा सोशल वर्कर भी है। मेरा मतलब ये नहीं है कि सब बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। इतने बड़े जो एक्सपीरियंस रहा जर्नलिज्म में, उसमें लगता है कि अखबार वाले को हर इंसान एक फायर इंजन की तरह यूज़ करता है। जब उसका काम होता है तो वो चाहता है कि वो आग बुझाने के लिए वहाँ हो, लेकिन जब आग ख़त्म हो जाती है तो उस फायर इंजन का रोल ख़त्म हो जाता है, मीडिया का रोल ख़त्म हो। तो आप उस इंसान की ज़हनियत के बारे में सोचिए जिसको कभी लगता है कि जब हमें ज़रूरत होगी तो आप हमें बुला लेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ ज़रूर होती होंगी। और लेकिन जहाँ तक आप ओवरऑल पिक्चर देखिए कि मीडिया का रोल कितना पॉजिटिव रहा है बहुत सी चीज़ों। आप जर्नलिस्ट रही हैं 27 साल से, आप जर्नलिज्म से जुड़ी हुई हैं, आप खुद लिखती हैं कई मीडिया में, आपका बहुत बड़ा नाम है, तो आपको ये नहीं लगता कि उनके स्टेटमेंट्स के बाद मीडिया में भी ये डायलॉग शुरू हो चुका है, मीडिया में भी ऐसी बातें चल रही हैं और मीडिया खुद रिस्पॉन्सिबल लोग डिवाइड हो गए हैं? सम पीपल मे बी थिंकिंग दैट देयर आर सम मिस्टेक्स डन। जस्टिस साहब ने मीडिया को एक आईना दिखाया है। हमें ये सोचना है कि उस आईने में जो हमें शक्ल दिख रही है वो कितनी सही है। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रोफेशन में गलतियाँ नहीं हैं। येलो जर्नलिज्म का नाम तो हम बहुत दिन से सुनते आए हैं, इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म भी है। मैं नहीं कहती कि ऐसा नहीं है, पर मेरा मानना ये है कि हम और आप अगर सिर्फ कुछ सेकेंड के लिए आँख बंद कर लें और ये माने कि हमारे पास कोई जर्नलिस्ट नहीं है तो दुनिया कैसी होगी? देख नहीं सकें आपके आँख तो बिल्कुल सही फरमाया आपने। हाँ। कि मीडिया आज आवाम की आँख है जी, और वो सुनती भी है और देखती भी है और उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाने की भी कोशिश करती है। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही। जो हम लोग कह रहे हैं कि उसमें गलतियाँ जो मीडिया करती है उसके पीछे क्या है, देखिए हम अक्सर एज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो हमें ये ज़रूर पूछना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि सारे जर्नलिस्ट बहुत अच्छे हैं, सारा जर्नलिज्म बहुत अच्छा है। बहुत सी चीज़ें आई हैं, सोसाइटी बदली है, इसलिए जर्नलिस्ट भी कोई दुनिया से हटके तो अलग नहीं है, वो भी एक इंसान है। उसको भी लाइन में खड़ा होना होता है, उसको भी बच्चों के एडमिशन कराने होते हैं, उसे भी डॉक्टर के ऑब्लिगेशन होते हैं। लेकिन देखिए हमारा समाज अब ऐसा हो गया है कि जर्नलिस्ट जब कोई परेशानी होती है लोग पुलिस के पास नहीं जाते, अखबार वालों के पास जाते हैं, कैमरा लेके पहुंच जाते हैं, कैमरा वो भी पहुंचते हैं, पुलिस के सामने भी पहुंच जाते पहुंचते हैं। पुलिस जब गलती करती है तो पुलिस के सामने भी जर्नलिस्ट ही पहुंचता है। बिल्कुल सही बात। और जो इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म है वो उसकी मेरे ख्याल में 10% जो है वो मोटिवेटेड है और 90% जो है वो इग्नोरेंस है। मुझे जैसे इग्नोरेंस ऑफ योर वर्क। अच्छा। अगर आप कोई भी स्टोरी कर रहे हैं उसके पीछे आपने रिसर्च नहीं की है तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ बहुत ही नई बात आपने कह दी। जो अब आपने ये कह दिया कि मीडिया अगर 100% मीडिया में एक 80-90% लोग अपना काम बहुत ही जिम्मेदारी से करने में कहीं चूक रहे हैं, और वो जस्ट 10% जो एथिकली कर रहे हैं, मॉरली कर रहे हैं,
उन पे भी इल्जाम लग रहा है, आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पहले जर्नलिज्म कैसे सीखा जाता था, ये स्कूल्स ऑफ जर्नलिज्म नहीं थे, आप चार चार पांच पांच लाख दे के आप जर्नलिज्म नहीं सीखते थे। अच्छा। आपको आपके जो सीनियर्स होते थे वो बताते थे किस तरह के आप ट्रेन करते थे, भेजते थे, तब उन्हें बहुत सी सेंसिटिविटी सिखाई जाती थी, जैसे ये कि किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया जाता था अगर कोई राइट्स होते थे, आपको ये नहीं बताया जाता था कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, ये नहीं बताया जाता था कितने लोग मरे, मतलब अगर अगर 20 लोग मरते थे तो 10 लोगों के बारे में बताया जाता था। दिस वॉज टू सी दैट देर इज अ बैलेंस इन सोसाइटी, लेकिन आप वो कर भी नहीं सकते क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कैमरा छुपा होगा जो आप शायद, यही वजह है क्योंकि उन्होंने जो कहा वो बहुत ही डिफिकल्ट सेंटेंस था किसी जज के लिए भी कहने, इतना बड़ा एलिगेशन आया वो ये था कि मीडिया इज डिवाइडिंग द पीपल ऑफ इंडिया, ये मीडिया आज जो है हिंदुस्तानियों में दरार पैदा कर रहा है, ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। नंबर दो कि मीडिया जो है वो नेशन के अगेंस्ट काम कर रहा है, ये दो कैसे? देखिए आपने कहा कि मीडिया लोगों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी लोगों को मीडिया पे भरोसा है, तभी तो वो डिवाइड हो रहा है। तो भरोसा कहीं वो जो भरोसा लोगों का है उस भरोसे को कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि अनजाने में मीडिया समझे बगैर उसका फायदा उन लोगों को हो जा रहा है जो वेस्टेड इंटरेस्ट है। आई डू से, और मुझे लगता है कि मीडिया को थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है, हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि हमारी कमियां क्या हैं। जिस तरह का मीडिया है उस पे कोई ना कोई किसी ना तरह कहीं तो लगाम, कहीं तो अंकुश, कहीं तो कोई हो। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में भी हम जाएं तो हमारी, मतलब जो आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमन मैन, उसकी कोई बात तो सुने। आजकल तो ये हालात हैं कि अखबार वाले, पुलिस वाले और वकील, ये तीनों ऐसे लोग हैं कि जिनको तो बैंक भी लोन नहीं देते इतनी इज्जत है तो डर, जो डर है वो डर अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में हो तो उससे बढ़ के कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम अपने अपनी पोजिशन से लोगों को डराते हैं तो मेरे ख्याल में ये तो किसी भी पेशे के लिए गलत है। शायद यही वजह है उन्होंने इतनी हार्श बातें की। बट मीडिया इज वेरी पावरफुल एंड वी मस्ट रियलाइज दैट वी शुड यूज इट नॉट एज अ स्वॉर्ड। मतलब देखिए एक एक सर्जन का रेजर, वो जो स्कैलप होता है वो होता है, और एक तरफ एक तलवार होती, काटती दोनों है, एक जिंदगी देने के लिए काटती। उससे अच्छा भी काम किया जा सकता है। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी लौटते हैं। नाजरीन आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं कुलसुम मुस्तफ़ा से, और ऐसे मुल्क में जो हिंदुस्तान में 121 करोड़ की आबादी, हमारे स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 180 करोड़ में 80% लोगों की ज़िंदगी में 20 से 25 रुपए मिलते हैं रोज़ाना, उसके मुश्किलें मीडिया में वो देखने की नहीं है, उसको देखने की वो ज़रूरत है कि उसके मसलों का हल कैसे निकले। आपको लगता है कि ऐसे दौर में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि मीडिया कंस्ट्रक्टिवली उन गरीबों के, उन मुश्किल में जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में सही मानों में बदलाव, जैसे हमारा प्रोग्राम है हम बदलेंगे देश बदलेगा, तो हमारा क्या रोल होना चाहिए कि हमारी उस तबके को सही मानों में हम मदद कर सकें? देखिए एक जो प्रोएक्टिव जर्नलिज्म जिसको हम कहते हैं, सिर्फ एयर कंडीशन कमरों में बैठ के हम अगर अपनी कहानियां लिखेंगे, अपने आर्टिकल्स लिखेंगे, तो उसमें वो आवाम की आवाज़ ना दर्द नहीं होगा। सो सबसे पहला जो मीडिया का रोल होना चाहिए, उसे उस जगह पहुंचना चाहिए जहां पर वो स्टोरी है, जहां पर वो हो रहा है। दूसरी चीज़ यह है कि एक बहुत अहम चीज़ है डेवलपमेंट जर्नलिज्म, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। हमारी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि हम सिर्फ उस इंसान को मीडिया का आदमी समझते हैं, उसको पत्रकार समझते हैं जो पॉलिटिक्स पे लिखता हो, लेकिन हेल्थ सेक्टर में कितनी पॉलिटिक्स है, चिल्ड्रेंस इश्यू में कितनी पॉलिटिक्स है, सोसाइटी में कितनी पॉलिटिक्स है, ये हम हाईलाइट नहीं करते। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन में, यस, डेवलपमेंट जर्नलिज्म और सोशल जर्नलिज्म इज द नीड ऑफ द आवर। अगर हम उस तरह की स्टोरीज करते हैं तो अपने आप में वो बहुत रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म है, लेकिन जो एक अखबार का मालिक है वो नहीं चाहता कि उसका जो जर्नलिस्ट है वो जाए, क्योंकि एक स्टोरी करने के लिए आपको 2-3 दिन लग जाते हैं, आप रिसर्च करते हैं, जाते हैं। इससे बेहतर है कि आप ये स्टोरी करिए कि फला पॉलिटिशियन ने ये कहा और ये कहा, आजकल जो हो रहा है सेंसेशनलाइज। सो यू नो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर डेवलपमेंट स्टोरी बिकम व्हाट वी कॉल एज सेक्सी एंड सेलेबल।
अच्छा जब हम सेक्सी और सेलेबल बनाते हैं अपनी स्टोरीज को, तब वो अखबार तब भी बिकता है जब पॉलिटिक्स पे बिकता है। और हम एज अ ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट, जैसे मीडिया नेस्ट जो हमने बनाया, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम डेवलपमेंट जर्नलिज्म की स्टोरीज को अपने जर्नलिस्ट को बताएं कि उसको किस तरह से लिखा जाए ताकि वो इतनी अट्रैक्टिव हो कि कोई भी एडिटर उनको पेज वन से नहीं हटा सकता। और इसके लिए हम उनकी बाकायदा डेवलपमेंट स्टोरीज की वर्कशॉप करते हैं, उन्हें फील्ड में ले जाते हैं। आज हम ये देखते हैं कि जो बड़े बड़े जायंट्स हैं, मीडिया जायंट्स हैं, मीडिया ग्रुप्स हैं, वो बड़ा बिजनेस भी है। तो ये जो बिजनेस है, वो बिजनेस एथिकली बिजनेस होने के लिए जो प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स की जो है कुछ ना कुछ तो उसमें मॉडरेशन होनी चाहिए। अगर उसको वैसा ही किया जाए जैसे कोई एक इंडस्ट्री चल रही है या कोई जो है मिल बन रही है, तो वैसा अगर करेंगे मीडिया तो कैसे आपका रिस्पॉन्सिबल होगा? जर्नलिज्म एक जमाने में एक मिशन था, आज आप बिजनेस है ये हम मानते हैं जी। लेकिन अगर हम खुद जो हम जर्नलिस्ट बने, तो कहीं ना कहीं अगर हम 7 दिन 6 दिन अगर हम अखबार के लिए काम करते हैं, तो अगर 1 दिन हम अपने लिए काम करें, बाय अपनी आई मीन फॉर सोसाइटी, इफ वी डू अ स्टोरी ऑन अ टॉपिक, दिस विल हैव अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ। ये कहने के लिए बहुत आसान है, ऐसा नहीं है, हम लोगों ने किया है। हम अच्छा। कोई भी चीज आपको वो नहीं कह रहे जो हमने ना की हो। हम क्या 6 दिसंबर को भूल पाएंगे? उस वक्त क्या मीडिया ने रिस्पॉन्सिबल रोल नहीं निभाया? मीडिया ने एक साथ एकजुट नहीं रहा? मीडिया इतने रायत्स हुए, चाहे जिस तरह से मीडिया ने हमेशा मीडिया आगे आया है। देखिए, कुछ ना कुछ चीज़ों में हमें रिस्ट्रेन रखना है। ये हमारे जो सीनियर्स हैं उनको ट्रेनिंग देनी है जर्नलिस्ट को, किस तरह से आप रिपोर्टिंग करें। अदरवाइज आई फील दैट मीडिया बाय एंड लार्ज, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, हैज बीन रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कोई रिस्पॉन्सिबल, एक हमारे कलम से जो एक एक अल्फाज निकलता है वो कहीं ना कहीं किसी के लिए नश्तर बन सकता है, किसी के लिए फूल भी बनता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो हमें ये सोचना पड़ेगा। एंड जर्नलिज्म में कहीं ना कहीं ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आप क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया से भी जुड़ी रही, यू कैन टेल मी अबाउट हाउ दे फंक्शन and what is the difference between Indian media and international media? You know, जब मैंने एक international agency AFP join की, तो उन्होंने मुझसे सिर्फ मेरा appointment phone पे किया। अच्छा। और उन्होंने बगैर मुझे बताए हुए फोन किया और कहा कि फला फला जगह एक लैंडस्लाइड हो गई है, आप क्या रिपोर्ट कर सकती हैं? अच्छा, और वो उत्तरांचल में थी और हमारी उत्तरांचल और यूपी दोनों कवर होता है। तो जब मैंने वो रिपोर्ट इत्तेफाक से आई वाज एबल टू कांटेक्ट द कमिश्नर, मुझे उस वक्त काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई। जब मैंने फ़ोन करके उन्हें ये डेटा दिया, तो वहाँ से आवाज़ आई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छा, आपका सिलेक्शन हो गया है। वाह। तो मैंने उनसे कहा, व्हेन डू आई हैव टू कम टू दिल्ली? शी सेड, यू डोंट हैव टू कम टू दिल्ली, यू जस्ट डू वर्क, बिकॉज वी, तब उन्होंने मुझसे एक बात कही कि अब 1 घंटे हम आपको टेलीफोन पे ब्रीफ करेंगे। और उनकी एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं वो चीज अपने सारे, क्योंकि मैं आई ऑल्सो टेक लेक्चर्स इन मीडिया इंस्टीट्यूट, तो मैं बच्चों को ये जरूर बताती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि न्यूज एजेंसी की 2 रिक्वायरमेंट है, स्पीड एंड एक्यूरेसी, बट नेवर स्पीड ओवर एक्यूरेसी। वाह, दैट्स वेरी गुड। क्योंकि यहाँ शायद एक्यूरेसी जो है, हम सोचते हैं कि स्पीड ज्यादा हो गई है, एक्यूरेसी कम हो गई है। हम सोचते हैं 10 लोग मरे और 15 लोग घायल हैं, तो इसमें से 10 तो मरी जाएंगे, तो हम उसमें भी वो फिगर जोड़ देते हैं। ये क्या होता है, आप मुझे बताइए, क्योंकि आप कई चैनल्स पे खुद लाइव जाती हैं, तो ये क्या मजा आता है इन लोगों को कहने के लिए? ये जो है टीआरपी का खेल है, और ज्यादातर लोगों को, पर मुझे लगता है कि अखबार वालों को, डॉक्टर्स को, कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जो बहुत चीजों से उठ के हैं, एक मिशन की तरह हमने उसको जीना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो हम लिख रहे हैं, बल्कि मुझे याद है कि ये एक बार मुझे किसी एक्सीडेंट की रिपोर्ट करनी थी और मैं कहीं एक इंफॉर्मेशन के वहां बैठी हुई थी, तो उसने बताया कि 10 लोग मर चुके हैं और 15 लोग घायल हैं। तो मैंने फिर से कंफर्म किया घायल कितने हैं और वही रिपोर्ट किया, तो वो बोले कि हम लोग तो जोड़ देते हैं, हम आगे सोचते ही नहीं, मतलब। बट यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट, यू आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग। आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए रिस्पॉन्सिबल मीडिया? रिस्पॉन्सिबल मीडिया इज अ मीडिया जो जिस वक्त जो काम कर रहा है, उस वक्त वो पूरी अपनी ताकत से, पूरी नियत से, पूरी समझदारी से वो स्टोरी करे। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें किस इंटरेस्ट का इन्वॉल्वमेंट है। Your responsibility is of the level, like I tell you, once we file a report, it is just like giving birth to a child. जी। जिस वक्त आप एक report file कर देते हैं, आपको लगता है कि बस आपने labor pain से आप
गुजर चुके हैं। तीर जो है कमान से निकलने के बराबर भी, वो वापस नहीं हो सकती। जी, जी, एक बार प्रिंट हो जाए, एक बार दिखा दिया जाए, उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। इस नोट पे मैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, हम फिर लौटेंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं। नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं कुलसुम मुस्तफ़ा से। नेगेटिव जो न्यूज़ होती है उन न्यूज़ को ज़्यादा हाइप देना इतना क्यों ज़रूरी है मीडिया के लिए? क्यों ये नहीं हो सकता कि हम पॉजिटिव जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं गवर्नमेंट की अच्छाइयों के बगैर हिंदुस्तान इतनी बड़ी लीप लेकर हम जहाँ ठहरे हैं आज 60 साल में वहीं नहीं ठहरे हैं, तो 10 साल में तो बहुत डेवलपमेंट हुआ, 15 साल से 10 साल में बहुत डेवलपमेंट हुआ, तो उस पर क्यों नज़र नहीं, बैलेंस क्यों नहीं होता? कि जब हम मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया को हम मास मीडिया कहते हैं। जी, मास का मतलब ही यही है कि हम मासेस के लिए काम करते हैं, क्योंकि जो आदमी रात के 3 बजे पेपर निकाल रहा है उसे तो पता भी नहीं कि उसकी स्टोरी कौन कहाँ किस तरह पढ़ रहा है। तो इसलिए मासेस के लिए काम जो कर रहा है, वी डोंट इवन सी फॉर द पर्सन होम वी आर वर्किंग। सो पॉजिटिवनेस मीडिया में ज़रूर है, लेकिन देखिए मीडिया का काम अगर वो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही दिखाएगा, अच्छी अच्छी बातें करेगा, तो वो मीडिया का रोल है टू ब्रिंग समथिंग टू द फोर ताकि चीजें और बेहतर हो सके, करेक्शन। सो बेहतर होने के लिए ये जरूरी है कि आप जो गलत चीजें वो हाईलाइट करें। मीडिया ने हमेशा बहुत अच्छा रोल निभाया, मेरा मैं तो मीडिया के जुड़ी हुई हूँ और मुझे लगता है कि अक्सर मीडिया अगर गलत लिखता है या अगर कहीं गलती है तो उनकी ट्रेनिंग में गलती है। आज के जमाने में खास तौर पे जो इंटरनेट है और जो अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, विद इन सेकंड्स अवेलेबल, यस, दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल डोंट डू सो मच हार्ड वर्क। और उसके पहले आपको बहुत से काम करने होते हैं। स्टोरी लिखते वक्त आप सब भूल जाते हैं कि आपके घर में कोई भूखा है या कोई बीमार है, यू आर जस्ट अ जर्नलिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। और लेकिन कभी कभी हमसे गलतियाँ होती हैं, जैसे मैं बताऊं, 1-2 साल पहले मैंने एक स्टोरी फाइल की थी कि एक बस गिरी थी, उसमें 34 लोग मर गए थे, और मैंने वो एक शादी की बस थी, एंड आई रोट दिस स्टोरी एंड आई सेंड इट टू माय ऑफिस। और वहाँ पे जो लड़की बैठी थी, शायद वो मेरी आधी उम्र की होगी, लेकिन उससे मुझसे एक सवाल पूछा, मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई कि मैंने वो नहीं लिखा। उसने कहा, व्हाट हैपेंड टू द ब्राइड ग्रूम। देखिए स्टोरी ये नहीं थी कि 34 लोग मरे, स्टोरी ये थी कि उसके साथ में ब्राइड ग्रूम भी मरा कि नहीं मरा। तो हम जब स्टोरी का एंगल नहीं समझते हैं कि हमें, हम ये सोचते कि हमें किस तरह के सवाल पूछने चाहिए, और यू शुड राइट एज अ कॉमन मैन, और आपकी बात उस कॉमन आम आदमी की आवाज बनने की जरूरत है, आवाज बनने की जरूरत। जो आदमी सुबह अखबार पढ़ता है वो, बिकॉज जर्नलिज्म इज लिटरेचर इन अ हरी, जर्नलिज्म बहुत टाइम कम रहता है, और स्टोरी लिखना होता है, लिखना होती है, गलतियां भी होने के चांस बहुत ज्यादा होता है, होते हैं, लेकिन शायद हम इतना ट्रेंड होते हैं कि हमें पता होता है कि किस तरह से लिखना है, यू आर ट्रेंड ऑन द जॉब। सो एज फार एज जर्नलिज्म इज कंसर्न, आई थिंक ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। वो ट्रेनिंग पहले हमारे सीनियर्स दे रहे थे, अब मीडिया हाउसेस देते हैं, मीडिया स्कूल्स देते हैं, अब तो इंटरनेट पे हर जगह हर चीज मौजूद है, और जो है इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू एनीबॉडी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जैसे किसी आदमी में अच्छी क्वालिटी कोई देखे तो उसको अगर सराहे तो और अच्छा बनने की कोशिश करेगा, वैसे ये समाज है और वैसे ही हमारी गवर्नमेंट्स हैं। तो जो अच्छाइयाँ इन्होंने की हैं, जैसे गवर्नमेंट हो या समाज हो, तो उसको हम उसको सेलिब्रेट क्यों नहीं करते? एक कमी मीडिया में हमेशा रही है और अभी भी है, हम चीज़ों को, हम सक्सेस स्टोरीज कम दिखाते हैं। जिन चीज़ का आप बात कर रहे हैं ये सक्सेस स्टोरीज हैं, जिनको देख के लोगों को लगे कि हम भी ऐसे बने। दूसरी चीज़ ये है कि हम अक्सर फॉलो अप्स नहीं करते, जैसे तो आज कुछ हुआ बस वो ख़त्म, क्योंकि न्यूज़ हमारे हिसाब से बासी हो जाती है, लेकिन उस स्टोरी को अगर कंक्लूजन तक पहुंचाया जाए। देखिए हर पेपर का स्टाइल अलग होता है, हर पेपर की एक अलग लीडरशिप होती है, हर पेपर के लोगों का एक माइंडसेट होता है। यू नो, एक कुछ पेपर्स हैं जो बहुत नेगेटिव लिखते हैं, उनको लगता है नेगेटिव लिखने से इम्प्रूवमेंट होता है, कुछ लोग पॉजिटिव लिखते हैं, कुछ पेपर्स पॉजिटिव हैं जिनको लगता है पॉजिटिव दिखाएंगे तो नेगेटिविटी अपने आप कम हो। ये वजह ये भी हो सकती है कि पॉलिटिकली पोलराइज हो रहा है, आप ये कहेंगे ये सही होगा अगर मैं कहूँगा कि मीडिया इज पॉलिटिकली पोलराइज टुडे, ये डैमेजिंग है, जो मैं कह रहा हूँ बहुत डैमेजिंग बात है। क्या ये है, क्या है? आई वुड विद वेरी सैड हार्ट आई वुड एक्सेप्ट कि ये दिस इज वेरी डेंजरस, बिकॉज ये हमको फिर सही चेहरा नहीं दिखा रहा मीडिया।
ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम हो जाता है फिर जी, ये भी हाउ क्रिटिकली इफ़ यू वांट टू टेल कि व्हाट शुड बी दी यू नो मीडियाज इंट्रोस्पेक्टिव मींस वो क्या इंट्रोस्पेक्शन करें और आप हाउ डू यू सी मीडिया टू बी रियली जेन्युइनली रिस्पॉन्सिबल. आई फील दैट मीडिया का जो भी इंसान है उसे अपने काम के लिए बहुत मेहनत और ज़्यादा उस फील्ड में हैव टू रीड. मोस्ट ऑफ द जर्नलिस्ट डोंट रीड दीज डेज, दे ओनली राइट. यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू हैव इंफॉर्मेशन सो दैट यू कैन काउंटर थिंग्स. इतनी जिम्मेदार और बॉडी होने के साथ साथ उसकी जिम्मेदारियों में इतनी ज़्यादा चूक होगी तो फिर हम जो है सही ऐना, जैसे आपने कहा कि जो एलिगेशन लगे हैं वो ऐना दिखा रहे हैं, तो फिर ये ऐना देखने के बावजूद अगर वो रेक्टिफाई नहीं करे तो फिर कौन इसको सुधार सकता है. बोलिए कि कहाँ पे कोई लॉज की ज़रूरत है, कोई स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर्स की ज़रूरत है, डिसिप्लिन की ज़रूरत है, कोई लॉ बॉडी बनने की ज़रूरत है. ज़रूर है, मीडिया पे भी कुछ कंट्रोल ज़रूर होना चाहिए जी. और इररिस्पॉन्सिबल मीडिया के लिए जैसे सेंसरशिप है, मूवीज पे सेंसर होता है, तो ये मीडिया में कौन लगाम, ये लगाम लगाने की ज़रूरत है. इंडिया में ऐसा टाइम आ गया कि इतनी रिस्पॉन्सिबल हो गई कि हमें कहीं कहीं चेक करने की, उनको यू नो गाइड करने की ज़रूरत. मुझे लगता है हर अखबार को, हर बिग ऑर्गेनाइजेशन को अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशन खुद बनाने चाहिए और उनको एक लाइन, एक थाट उनके कहीं ना कहीं ये ज़रूर है. They have to be nation builders. They have to realize that somebody is looking up to you, yeah. And if you are going to do wrong, you are going to lead, I mean, thousands of people into a wrong way of wrong thinking. Way. और ये चीज़ हमें अपने आप को, अपने प्रोफेशन को बचाने के लिए और हम कोशिश यही करते हैं. ये हमारा जो प्रोग्राम और इतने सीनियर लोग अगर हम पे एलिगेशंस लगाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई ज़रूरी उसमें कुछ सच्चाई होती है. उस सच्चाई को हम बहुत बड़ी सच्चाई ना बनने दें, शायद यही हमारा रोल होना चाहिए. और सीनियर्स को आने वाली पीढ़ी और ख़ासकर जो ये मीडिया स्कूल्स हैं इसमें बड़े रिस्पॉन्सिबल वे में उनको जर्नलिज्म पढ़ाना चाहिए. आपका बहुत शुक्रिया. जैसे हम कहते हैं कि हम बदलेंगे देश बदलेगा, तो हम ज़रूर उम्मीद करते हैं कि मीडिया में भी कहीं इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है तो वो इंट्रोस्पेक्शन करेगी और देश में एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगी. कि हमारे इस प्रोग्राम का जो अगला एपिसोड होगा उसमें हम एक नए शख्सियत के साथ और दूसरे एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे. तब तक के लिए मुझे आदिल मोहम्मद को इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़. जय हिंद.